पहले इनके क्वेश्चन का आंसर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी, इसी प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी से एक और प्रिंसिपल जुड़ा हुआ है, जो प्रिंसिपल दिया था एडलर ने। एडलर ने क्या दिया था वो बात करते हैं टेलियोलॉजी की। ये बात है यूंग की, ये है एडलर के केस में। और अगर इन दोनों के पापा की बात करें तो होम्योस्टेसिस के रूप में बात करता है इसकी फ्रॉइड। हालांकि ये टर्म नहीं उन्होंने दी थी, ये टर्म इनमें से किसी ने भी नहीं दी है। होम्योस्टेसिस, एंट्रोपी और टेलियोलॉजी, ये तीनों ही फिजिक्स की टर्म्स हैं। किसी ना किसी रूप में ये दर्शाती हैं बैलेंस को, ठीक है। आपके वाले क्वेश्चन से भी उठाएंगे इसी में और कनेक्ट कर लेते हैं। आपने बात की साइकिक एनर्जी की, इस साइकिक एनर्जी को बेसिकली लिबिडिनल एनर्जी या लिबिडो के नाम से फ्रॉइड बताते हैं। इसके अंदर टाइम एंड अगेन इंबैलेंस क्रिएट होता है, यानी कि असंतुलन क्रिएट होता है। तो हमारी जो साइकी होती है, यहां रोल आता है साइकी का, तो हमारी जो साइकी होती है वो नेचुरली कंट्रोल करने के लिए जाती है, कंट्रोल स्थापित, नियंत्रण स्थापित करने के लिए जाती है, यानी संतुलन बनाने के लिए जाती है। तो देयर इज अ लेवल ऑफ हीट, एक फिजिक्स का एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एंट्रोपी। जहां पे हीट ज्यादा होती है वहां से वो ट्रांसफर होकर के कम हीट वाली जगह में हीट को बढ़ा देती है और इधर वाली हीट कम हो जाती है, तो इसे बैलेंसिंग कहते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एंट्रोपी ये होता है, वैसे ही होता है टेलियोलॉजी। एक जगह की हीट, अगर आपने दो ग्लास रख दिए एक दूसरे के बगल में, एक में ठंडा ग्लास है, ठंडा पानी है, और दूसरे में गर्म पानी है, तो जो गर्म पानी है वो ठंडे को गर्म कर देगा। तो हीट का ट्रांसफर होना बेसिकली आप सामान्य रूप में कुछ इस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो हमारी जो साइकी होती है वो अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करना चाहती है, और इस बैलेंस क्रिएट करने की जो नेचुरल सिद्धांत होता है उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी। हाँ, अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी है, नहीं, ये जो प्रोसेस हो रहा है ये ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी, मतलब हम सब में ये हो क्यों रहा है। तो साइको एनालिटिक साइकोलॉजी ये बोलती है, एनालिटिकल साइको एनालिसिस जो है, जिसकी शुरुआत कहां से होती है, एनालिटिकल साइकोलॉजी की शुरुआत कार्ल यंग से, तो वो कहते हैं कि हमारा जो जहन है उसमें ये नेचुरल प्रोसेस है एंट्रोपी का। तो ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ है और आपके साथ नहीं है, बिकॉज इट्स ए नेचुरल साइकिक प्रोसेस, तो ये सभी के साथ है, क्योंकि उन्हें तो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करनी थी ना, कलेक्टिव अनकॉन्शियस या कलेक्टिव कॉन्शियस। तो जब वो कलेक्टिविज्म की बात कर रहे हैं कि सभी में ये सेम है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं आर्कटाइप जो है वो तो इंडिया में भी है, यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है, वो दैट इज कॉमन टू एवरीवन, कलेक्टिव अनकॉन्शियस है ना। तो वो ये कहना चाहते हैं कि एवरीबडी हैज दिस इंटरनल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी, दैट इफ यू आर योर थर्मल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, अगर आपकी गर्मी बढ़ रही है तो आप उसे ट्रांसफर करना चाहते हो और आप बैलेंस करना चाहते हो, राइट? तो ये लागू होगा।
टीलियोलॉजी की भी बात करते हैं और होम्योस्टेसिस की, अलग अलग रूपों में इसकी बात की गई। ठीक है, अभी समझ में आ रहा होगा सर, पर इसका यूसेज कहाँ है? इसका यूसेज यहाँ पे होता है, जैसे आपके अंदर ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है, तो ईगो को बचाने के लिए एक अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म काम करने लगता है आपका। तो वो क्या है? वो बेसिकली आपकी एक तरफ बढ़ी हुई हीट को साइकी बैलेंस करने की कोशिश करती है, तो वो बैलेंसिंग एक्ट है। तो देयर इज अ टेंपरेरी बैलेंसिंग एक्ट एंड देयर इज अ परमानेंट बैलेंसिंग एक्ट। तो जो बैलेंसिंग एक्ट है वो दोनों ही प्रकार के हैं, जहां एक तरफ वो टेंपरेरी है वहीं दूसरी तरफ वो परमानेंट है। टेंपरेरी को आप देख सकते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में, और परमानेंट को कैसे देख सकते हैं? कैथारसिस के रूप में। कैथारसिस के रूप में क्या है? परमानेंट है। आप उसको लेकर के आते हैं बाहर, फिर उसको आप बैलेंस करते हैं। तो जितना एनालाइज करोगे आप, अगर यूंग के शब्दों में समझो तो ये है कि आप जितना अपने अनकॉन्शियस को एनालाइज करोगे और इंटरप्रेट करोगे, कॉन्फ्रंट करोगे और क्लियर करोगे, आप उतना बैलेंस क्रिएट करोगे। सो दिस इज अ परमानेंट बैलेंस। पड़े रहने देते हैं, दबा करके रखते हैं, किसी और दूसरे मीनिंग से क्रिएट कर देते हैं, तो रिएक्शन फॉर्मेशन से लेकर के रैशनलाइजेशन, रिप्रेशन और सप्रेशन, ये सब क्या हो गए? ये हो गए टेंपरेरी तरीके। और जब आप उन्हें एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, कॉन्फ्रंट और क्लैरिफाई करते हैं, तो ये हो गए परमानेंट तरीके बैलेंस करने। तो बैलेंसिंग ऑफ साइकी इज ए नेचुरल प्रोसेस, अपने आप होता है, आप चाहें या ना चाहें। जब आप नहीं चाहेंगे तो भी हो रहा है, जब आप चाहेंगे तो भी हो रहा है। पर कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिन समस्याओं को लेकर के, जिन समस्याओं को लेकर के आपके द्वारा जो बैलेंस किया जाता है, वो उसके लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है, दैट इज एनालिसिस। सर, ये आपने बताया कि जो साइकी है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस करती है, जैसे अगर कभी अगर इट बढ़ गई ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी। और सर, जब थिंग्स गो आउट ऑफ हैंड तो फिर इडियम आते हैं वहां पे, जब साइकी से कंट्रोल नहीं हो रहा है। नहीं, साइकी देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, तो वहां पे ईगो को खतरा होता है, वो अपने आप को डिफेंस करने के लिए, गिल्ट से बचने के लिए, एंगर से बचने के लिए, या डिप्रेशन से बचने के लिए, एंजाइटी से बचने के लिए, वो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। पर जब आप लगातार ईगो डिफेंस मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे तो वो समस्या आपके अनकॉन्शियस में जाकर के स्टोर्ड हो जाएगी, आज नहीं तो कल रुक रुक करके वो आपको परेशान करेगी। और जब वो आपको रुक रुक करके परेशान कर रही है, तो फिर आपका जो इंटरनल साइकी है, तभी फिर आपको अनकॉन्शियस लेवल पे बेकार ड्रीम्स आते हैं, क्योंकि आप वो आपके ड्रीम्स क्रिएट करते हैं। वो आपका अनकॉन्शियस जो होगा वो आपके कॉन्शियस साइकिल में हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, बैरियर बनाएगा। ऐसी स्थिति कब होती है? जब आपको किसी चीज को देख करके सडनली गुस्सा आने लगता है, किसी चीज को देख करके सडन रिएक्शंस होने लगते हैं। आप कभी, कुछ लोग होते हैं जो सीजर की कंडीशन में पहुंच जाते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी की कंडीशन देखने को मिलती है, या फिर आप अतिरिक्त स्ट्रेस में पहुंच जाते हैं। इन सब के कारण कुछ हो सकते हैं जो आपके अनकॉन्शियस में स्टोर्ड हो। उन अनकॉन्शियस के कारणों को बाहर ला करके और आप उनका एनालिसिस करवाते हो, उसको इंटरप्रिटेशन किया जाता है, कॉन्फ्रंट किया जाता है और क्लैरिफाई किया जाता है। ये परमानेंट तरीका है। तो टेम्परेरी तरीका आपने ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का अपने आप अप्लाई हो गया आपका अनकॉन्शियसली, तो वो ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी हो रहा है। लेकिन फिर आपने बाहरी काउंसलिंग, बाहरी मेथड यानी थेरेपी के द्वारा जो बैलेंस करवाया, दैट इज कॉल्ड कैथारसिस। तो जो कैथारसिस है वो भी एक प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी या प्रिंसिपल ऑफ होम्योस्टेसिस में ही देखने के लिए मिलेगा।
देखो भाई ऐसा है, साइकी को अगर समझना है तो बड़ा क्वेश्चन है हु एम आई। आर यू कैपेबल ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन? तो मुंडकोपनिषद में मैंने बताया था आपको कि आपको इसका आंसर मिल सकता है, पर कैन यू आंसर दी साइकी? कैन यू फाइंड दी साइकी? व्हाट इज इट? हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्हाट इज इट? यहां पे प्रॉब्लम है इस शब्द में। जब हम बोलते हैं व्हाट इज जो जनरली रिप्रेजेंट करता है अपने साथ डब्ल्यू एच फैमिली को लेकर के, यानी व्हाट वेयर व्हेन व्हिच, इनको लेकर के इज जिसको रिप्रेजेंट करता है दैट इज ए नाउन। हमारी आदत है कि हम उसी चीज को वैल्यूएबल मानते हैं जो है, यानी प्रत्यक्ष और प्रमाण बराबर बराबर मानते हैं। बट देर आर मैनी थिंग्स विच आर नॉट प्रेजेंट एज ए नाउन, और यही है जो मुंडकोपनिषद के सेवंथ वर्स में लिखा हुआ है कि तुम जो जगे हुए हो, तुम जो सोए हुए हो और जो तुम जो स्वप्न देख रहे हो, ये तीनों ही वो वास्तविकताएं हैं जो आप देख सकते हो, ये सब इज है, पर आप स्वयं में इससे अलग कुछ और हो, और वो कौन है? तो तुम ये तीन नहीं हो बल्कि तुम तुरियम हो, तो तुम चतुर्थ हो, तुम फोर्थ वन हो। अब वो फोर्थ वन का नाम नहीं दिया गया क्योंकि नाम होते ही प्रॉपर नाउन हो जाता, तो उसे छोड़ा क्यों गया है? उसे छोड़ा इसीलिए गया है क्योंकि वो नाउन नहीं है। तभी तो हेराक्लाइट्स और हेराक्लाइट्स और हिप्पोक्रेटिस कहते हैं कि आप साइकी की लिमिटेशंस को कभी परख नहीं पाएंगे।